नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 30 लाख की लागत से शनिवार को नवनिर्मित एपीएसयू 1 का रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य, कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार, डीएफओ चंद्रशेखर सिंह, वन विभाग के एसडीओ ऋषि मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लगभग 25 एकड़ में निर्मित इस पार्क में 2700 मीटर का पाथवे निर्मित कराया गया है, जिससे आम लोगों को वॉकिंग करने में सहूलियत हो सके। खास बात यह है कि एपीएसयू 1 में 13 कुर्सी के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे नगरवासी घूमने के साथ ही सेल्फी का भी आनंद ले सके। यही नहीं, वर्तमान समय में इस पार्क में पूरी तरह से नेचुरल प्रकृति का आनंद मिल रहा है, जिसमें 5000 बड़े पौधे लगे हुए हैं। तो वहीं 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने तय किया है, जिसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पर्यावरण के बिना हमारी जिंदगी कठिन हो जाएगी। संतुलित विकास समय की मांग है, हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और विकास के नाम पर जो पेड़ कटते हैं उनकी जगह 10 गुना पेड़ लगाना है। जहां ओपन एरिया है वहां पर हमें संतुलन बनाना है। इसलिए हमने फैक्ट्री वालों को कहा है कि आप लाइम स्टोन निकालते हैं, सीमेंट के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए आप शहर में वृक्षारोपण करिए। नगर में बनाए जा रहे पार्क की समय आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वार्डों में पार्कों को संरक्षित करने नगर निगम आयुक्त को कहा गया है। सिविल लाइन्स में बन रहे 10 एकड़ पार्क में 2 एकड़ की पार्किंग निर्मित की जाएगी तथा 1 एकड़ में 56 मार्केट बन रहा है, जहां इंदौर की तर्ज पर चौपाटी होगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व कुलपति रहर्षमणि मिश्रा, एनपी पाठक के अलावा डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, संविदाकार विजय कुशवाहा, राजगोपालचारी, पूर्व पार्षद सतीश सिंह, अरुण मिश्रा, प्रदीप त्रिपाठी, राजेश पांडे सहित सरकारी अमला मौजूद रहा। आज के दौर पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जंगल लगाए जा रहे हैं, इस पर कितने पार्क अभी और बनने वाले हैं। संतुलित विकास समय की मांग है और बहुत तेजी के साथ हाईवेज बनना, फ्लाईओवर बनना, ये सब भी हमारी आवश्यकता है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है, जो विकास के मार्ग पर प्रतिस्पर्धा के साथ हम बराबर के साथ आगे बढ़ सके, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि हमें संतुलन बनाना है तो शहर के अंदर वन बनाने पड़ेंगे। शहर में पर्याप्त जमीन को चिन्हांकन करना और वहाँ पर शहरी वन निर्मित करना, विकसित करना, यदि हम ऐसा करेंगे तभी हमारा विकास संतुलित है हम कह पाएंगे। उसी कड़ी में 2009-10 में वन विभाग के द्वारा शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही वृक्षारोपण का एक महाअभियान चला था, जिसमें स्टेडियम के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर, सैनिक स्कूल के कैंपस के अंदर, SAF ग्राउंड में और विश्वविद्यालय कैंपस में हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख वृक्षारोपण शहर में उस समय हमने करवाए थे। कुछ दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला था, तो नगर वनीकरण एक नया हेड खुलवाया था और उस पर ये सारे काम हुए थे। अब जब 10-15 साल हो गए हैं तो हमने कहा इसका आकलन करिए कि कितने पेड़ तैयार हुए हैं। तो आकलन करने पे आया कि ये तो जंगल बन गए हैं, जिसमें नगर वन हमने विकसित किया स्टेडियम के बगल में, और यहाँ भी जो 10-15 हज़ार का जंगल बना है, जहाँ पर पार्क धीमे धीमे उनके नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे नेहरू नगर में है, इंदिरा नगर में है। और इसमें तो हमने नगर निगम कमिश्नर को बोला है कि इस प्रकार के जितने भी पार्क हैं उसको संरक्षित करें, उसके बाउंड्री वॉल बनाएं, पाथवे बनाएं, बेंचेस लगा दें, क्योंकि शाम को और लोग बैठना पसंद करते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो जितना घूमते हैं उससे ज़्यादा वो बैठ के आपस में वार्तालाप करना पसंद करते हैं। जिम का प्रचलन चल चुका है। अब सिविल लाइन पार्क जो बन रहा है रीवा में 10 एकड़ में, जिसमें 2 एकड़ की पार्किंग है, 8 एकड़ में, 1 एकड़ में 56 दुकानें बन रही हैं, जैसा इंदौर में 56 मार्केट बहुत मशहूर है, उस प्रकार का 1 एकड़ में 56 मार्केट बन रही है, जिसमें रीवा के व्यंजन वहाँ पर मिलेंगे, और 7 एकड़ में वो पार्क शहर के हृदय स्थल में वो आधुनिक पार्क होगा। इस प्रकार का नेचुरल वन नहीं है वो आधुनिक पार्क होगा। पुराने पेड़ तो रहेंगे ही, लेकिन और भी हम ऑर्नामेंटल पेड़ लगा के पाथवे बना के उसको इतना सुंदर बनाएंगे कि हृदय स्थल में इतना अच्छा पार्क शायद अन्य शहरों में लोगों को देखने को ना मिले, जो रीवा में बनने जा रहा है।